गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। सोच के फटी में हूँ मैं, कल की चिंता नहीं करता। जिस पल का पता नहीं आ रहा, उस पल की चिंता नहीं करता। मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपको सुनना ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेके मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है नहीं, होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा, मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है? बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें ना पे। बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहां से। देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूं कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो। मैं बना रहा हूं, दूध ही फट जा रहा है बार बार। फ्लाइट पे जा रहा हूं, एयर होस्टेस से मेरा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूं बेल्ट नहीं बंद हो रही। बोली ढंग से करो, हो जाएगी। मैंने बोला पैंट की नहीं बंद हो रही। बोली जहाज होता था ही सबसे पहले तू उतर जाना। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे हो, नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो, हम पागल है, हमें समझ नहीं आ रहा। फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों को। बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, और उस पर पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसका, बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है, कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे, मैं पोपला थोड़ी हूं। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूं। यहां लाके देख रहा हूं मेड इन इंडिया लिखा हुआ। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूं, सोच के जाता हूं मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ खड़ा था, सामने का अंकल बैठे, तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, ठीक है। अंकल उतर गए, मेरे हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहां उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में, चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊँ मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। लाइफ गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि। मैंने बोला अंतिम संस्कार। यही तो होता है ना, भाग गई छोड़ के पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे।
हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे, बोलते थे नहाओ, रोज नहाओ, ये कैसी घटिया आदत। हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती, आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना, अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार। बोले नहाने से मन खुश होता है, अरे मन तो मोमोस खा के खुश हो जाता है, इतने चोचले करने की क्या जरूरत है। माँ बाप खुश देख नहीं पाते थे, छोटे थे भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा, जैसे मेरी पीटने की बारी आई घर वाले छुड़ा के ले जा रहे कि नहीं नहीं झगड़ा मत करो। अरे यार इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम। अब मैं खड़ा हुआ वहां पे हाथ में पत्थर लेके कि 2 मिनट रुक जाते यार, प्रॉपर्टी अभी शॉर्ट होने वाली थी। मेरा सपना था मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी कैसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की, और आपको इसी बता दूं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा, गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया, घर किश्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों को ऐसे निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो सुन बे एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे, साथ बिठा लिया साथ खा लिया बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं रहता, मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था, कोई फ्लाइट नहीं थी मेरी, बस आईफोन था हाथ में, ये है तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती, आईफोन खरीदो मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो, इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, मैंने जॉब छोड़ी या उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनके बोलते तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं, कुछ मिली सेकेंड का फर्क था, टेक्निकली मैं ही जीता हूं। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है, बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो इससे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। मैंने बोले ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोले ऑफिस में मत देखा करो। मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ठीक नहीं लगता, हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो पूरे महीने काम करो सैलरी एक दिन देंगे, ये कोई तरीका है। मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है। अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे रहे अंदर, ये कैसी फैमिली है। मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, मेरी आत्मा गोवा घूम रही थी, बीच पे घूम रहा हूं मैं, बिकिनी पहन के घूम रहा हूं। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त, लोग स्कूटी पे घूम रहे हैं, मैं केकड़े बैठ के चिल कर रहा हूं। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है, वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है। स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार, स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां स्कूटी नहीं चला रहा वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ। एक आदमी मेरे पास आया बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें, स्कूटी पे ही बैठा था वो। मैंने बोला लाओ भाई, तो मना करूंगा मर नहीं जाएगा। स्कूटी ले ली उसके 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई। बोला मुझे घर तक छोड़ दोगे। बदतमीजी करते थे ऑफिस वाले मेरे साथ, बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे,
एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में, मुझे लग रहा है मरवर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो, केक खिला के गया है अभी, यार कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था, नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉयज हायर करते हैं, पर स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी, अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती बंद ना हो जाए। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है, बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसको पार्टनर बना रहे हो, तो दिमाग ही फट जाएगा मेरा। घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिया इन लोगों ने माँ। अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है, उनका वर्क कल्चर, बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस, आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे स्ट्रेस ज्यादा था। इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब ही मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। मतलब कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हो। मैं माहौल खराब कर रहा हूं? 8,000 रुपए जिताए इसको, ये नाच रहा है, डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेलने लगा। वहां पर बॉस पहुंच गए कि क्या कर रहे हो, मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हुआ, क्या दिक्कत है? बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का, एफर्ट मारो चले जाओ, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हराम खुरी कहते हैं इसको, इससे बाहर निकलना है यू कैन डू वन थिंग, एक काम करो सोलो ट्रेवलिंग कर लो, तुम्हें खुद के बारे में पता चले। चला गया मैं सोलो ट्रेवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है मुझे, मेरे घुटनों में तकलीफ, मेरे कूल्हे जाम हो जा रहे हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लग जाएगा, अभी तुम लोग को लग चुकी है। पर ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद बंद है। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, घर से खाना खा के आया था मैं, बोला ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कने बढ़ती जा रही कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊं। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, खाना खाया, खाना तो घटिया ही था, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। इतना खराब कैसे काट सकते हो यार, वहां पर भी बैठ के खा रहा हूं, क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने, उल्टियां कर रहा हूं बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रेवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं, क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूं, मेरा मूड ही खराब है। बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने, वहां माहौल ही ऐसा यार। एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है, बोले ये देखिए ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोले इतनी झांटू मैगी क्यों मना रहा भाई, कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके।
और आप देखो पहाड़ों पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको आना भी नहीं था। गुड़गांव में कुछ लड़के रेस लगा रहे थे, जिससे रेस लगा रहे थे उसको पता भी नहीं, वो घर गए अपने, ये पहाड़ों पे पहुंच गए। अरे भाई शिमला गया क्या यार? अभी वहां पहुंच के लोकल लोगों के दिमाग चाटने में लगे हुए कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, बर्फ पड़वा दो यार। तुम लोग तो दिन रात मोमोज खाते हो गए, ये डोलमा आंटी तुम्हारी आंटी है क्या? जुबीन नौटियाल कब तक आएगा? सुना है पहाड़ों पर ही नाचता रहता गिटार लेके, असली शीला जी तो हो गई तुम्हारे पास। नहीं मेरे दोस्त को चाहिए था, मैं ठीक हूं, मेरा मैं बैठा हूं बोर हो रहा हूं। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे पर मेरे अंदर एटीट्यूड ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं। वो बोले हे, मैंने बोलो सुन भी सोलो ट्रेवलर हूं मैं, सोलो चिल करना था मुझे, झुंड में तो सुअर आते। वो बोले तू कौन? मैंने बोला बुल्ला की जाना मैं कौन। उनको गाली देके बगा रहा हूं, खुद फूट फूट के रो रहा हूं कि कहां फंस गया। थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि अकेलेपन से मेरी मौत होने ही वाली, तो कोई बात करे तो कर लेनी चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया बोला बाबा मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला देख भाई तुझे बच्चा कभी भी नहीं हो पाएगा। आदमी का जो शरीर होता है, जो मेल बॉडी होती है, वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। अगर तुम्हें जीवन में संतान चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी, सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी वाइफ को हो जाएगा। बोला ओ, पर मुझे तो अपना बच्चा चाहिए था। बहकी बहकी बातें कर रहे लोग वहां पे, क्योंकि वहां ये बहुत चल रहा है। हाँ माल, हर जगह माल चल रहा है, लोग माल फूंक फूंक के भंड है। क्या पूछ रहे हैं क्या सुने किसी को समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग माल फूंक के पहाड़ों को गाली दे रहे कि तीन दिन दूर से आए माउंटेन्स कॉलिंग सुन के, माउंटेन्स में इतना आईटी रूढ़ा बुला के बात ही नहीं करा। हम लोग ये माल होती क्या चीज है जो इंसान की दुनिया इतनी बदल दे रहा है? तो माल ढूंढने में माल रोड चला गया कि जब नाम ही माल रोड है तो कुंटल के भाव मिल रहा होगा वहां। फिर जब वहां लोगों ने माँ बहन की गालियां दी मुझे तो मुझे समझ में कहीं और मिलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, पर जीवन में एक बार ट्राई करना तो बनता है। पर ऐसे कभी ट्राई नहीं किया हो तो अनजान लोगों से मत खरीद लेना, क्योंकि मुझे तो गोबर सुखा के देके चला गया। वो ले जाके पहाड़ी पे खड़ा होके फूंक रहा हूं मैं, और खुद से एफर्ट मारो कि नशे हो तो रहे हैं मुझे, मेरी दुनिया बदल तो गई है। ये बादल आसमान की तरफ कैसे चले गए? वाओ फक मैन। प्रॉब्लम ये है कि वो फूंकने के बाद अब मुझे नॉर्मल वाला नहीं अच्छा लग रहा। मैं उनको बोल रहा हूं कि तुम लोग क्या गोबर फूंक रहा है, क्योंकि वो फूंक के मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। मैं देश के बारे में सोचने लग गया था कि जो जर्मन बेकरी वाले हैं ये वापस जर्मनी क्यों नहीं जाते, इंडिया पे कब्जा तो नहीं करना चाहते। इंडिया और वकांडा अगर एक हो जाए तो चाइना की कभी उखाड़ सकते हैं हम लोग। ये गूगल मैप को कैसे पता चल रहा कि मैं कहां जा रहा हूं? मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? इन लोग का माल खत्म हो चुका है, ये परेशान है, इनका डीलर फोन नहीं उठा रहा। मैं भैंस का इंतजार कर रहा हूं, कहां रह गई भूरी? सुबह घास खिलाई तो थी, अब तक तो माल तैयार हो जाना चाहिए। यहां सबका कटने वाला है मैं छल। हाँ तो दोस्तों थैंक यू सो मच, यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देख ली। अब आपको थोड़े बहुत काम करने हैं मेरे लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, शुद्ध देसी कॉमिक के नाम से मेरी आईडी है। एक नया चैनल मैंने बनाया है रवि गुप्ता शॉर्ट्स, जहां पर मैं छोटे छोटे व्लॉग्स डालता हूं, वो भी आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। और सबसे काम की चीज,
टिकट्स मैंने बुक माई शो पे डाल दिया है, वहां पर आप टिकट बुक कर सकते हो अपना शहर सेलेक्ट करके, और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरे लिए हमेशा आपका फीडबैक मैटर करता है। नई वीडियो जल्दी डालूंगा, ये वीडियो थोड़ी लेट रही, पर कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।